भाई साहब, मौसम चेक करो। मौसम जून का महीना है, जून की पहली तारीख है और मौसम चेक करो तो तकरीबन मेरा ख्याल है 18 डिग्री टेम्परेचर हो गया और सर्दी सख्त हुई है। यहाँ पे पंखे सब बंद हो चुके हैं दोबारा से, क्योंकि जून का महीना, जून में कौन से पंखे बंद होते हैं। लेकिन यहाँ पे चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का मौसम हुआ है ना। चेक तो करो व्यू, जून में ऐसा नहीं हुआ होगा कभी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यार सुबह की वीडियो के बाद नाश्ता किया, सीधा काम पे चला गया। काम से वापस आया हूँ तो आते साथ ही मेरे सामने क्या आया, ये मेरे पास पार्सल आ गए। ये मैंने पार्सल मंगवाया हुआ था तो अली एक्सप्रेस से मंगवाया था। ये तकरीबन वैसे आने में इसको देर लगती है, 3-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये तकरीबन समझ लो कि 1.5 हफ्ता लगा है इसको आने में। तो ये अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हेडफोन आए हैं, तो यहाँ थोड़ी देर पहले उठे हैं। आज जुम्मा तो फिर छुट्टी है हर जगह से, तो अभी नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद जो है अब आज जुम्मा है, जुम्मा पढ़ने जाना है। अब कपड़े पहनने हैं, कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर जुम्मा कैसे होगा हैं। तो जुम्मा पढ़ने जाएंगे, जुम्मा पढ़ने के बाद आपको मिलते हैं। तैयार तैयार हो गया। अब यह है कि जुम्मा पढ़ने निकलना है क्योंकि बहुत लेट हो गया। वैसे ही नाखून भी मैंने काटने थे, शिट यार नाखून ही नहीं काटे, लेकिन चलो अब जुम्मा पढ़ के काट लेंगे। लेकिन यह है कि जुम्मे से पहले सवाब होता है, लेकिन अब लेट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए फिर जुम्मे के बाद मिलते हैं आपको। आज मौसम इतना अगर क्लियर हो चुका है ना कि जितनी दो दिनों के अंदर सर्दी थी ना, पिछले 2 दिन में बादल थे, बारिश हो रही थी, आज उतनी धूप थी। इतनी ज़्यादा खत्म हो गए सारे, फुल क्लियर हो चुका है, पूरा सनी है सारा। जितना ज़्यादा 2 दिनों के अंदर और खाना सारा इंतजाम ख़राब हो गया। जल्दी निकलते हैं क्योंकि अब लेट हो रहे हैं, तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। मैंने तो जुम्मे से लेट हो जाएंगे, खुतबा सुनना लाजमी है। और तुम लोग किधर जा रहे हो भाई, तुम लोग जुम्मा पढ़ने जा रहे हो? चलो चलो आज मेरे साथ आ जाओ तुम लोग भी। ओहो इधर 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 इधर। तो यार जुम्मा पढ़ लिया अभी हमने, तो अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, ऊपर देखा भी नहीं जा रहा क्योंकि पिछले दिनों जो है ना ठंड थी और अब धूप निकल आई है दोबारा से। अभी भी जाना है हमने शूट पे, तो अभी घर जाएंगे, रोटी छोटी खाएंगे, रोटी छोटी खाने के बाद जो है फिर हम निकलेंगे बाहर। यार पता नहीं, मेरे ख्याल है बिरयानी पकी हुई है, शायद बिरयानी खाएंगे या फिर बहुत मुर्गा होगा। लेकिन कल रात बिरयानी पकी थी, बिरयानी में कह रहा हूँ इधर टाइट, तो बहुत से कह रहे हैं भाई जी ब्लॉग इधर है, रात को ब्लॉग आता है, ब्लॉग नहीं आ रहा आज आपका। मैं कहा आएगा आएगा शाम को इंशाल्लाह आएगा ब्लॉग। तो यार खाना छाना खा लिया और अब जो है दोस्त की बात आ रही है कि हमने जाना शूट के ऊपर, और वो जो कह रहा था ना कि चावल होंगे गोश्त होगा, कुछ भी था तीनों के अंदर, कीमा पड़ा हुआ था, कीमा खाया अम्मा ने बना के दिया था और रोटियाँ खा की आए हाय हाय। मैं कह रहा हूँ जी इतना कोई शुगर था उसके अंदर, शुगर मतलब कि जूसी था, जूसी शुगर समझ रहे हो ना, जो भी तो जूसी था इतना था। और मैं कह रहा हूँ जी बड़ा ज़बरदस्त बनाया था अम्मा जी ने। अभी जो है हमने चेंज करना है, कपड़े बदलने हैं, उसके बाद जो है बाल शाल बनाने हैं, वो आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। जल्दी करते हैं, टाइम शॉर्ट है, फिर शाम को मैंने ब्लॉग एडिट भी करना है, उसके बाद फिर आपको दिखाना भी है, क्योंकि आज ही दिन डालना है मैंने, कल के लिए मैंने नहीं डालना। तो यार रेडी शेडी हो गए हैं, देख लो बाल कितने फिट बन रहे हैं हर जगह से, साइडों से देख लो तो ऐसे बाल बनते हैं। मेरी पीछे आपने देखी ना कैसी हालत हुई हुई थी, वो हालत दूर करने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। मिलते हैं बाहर जाकर। तो यार घर से निकल आए हैं, घर से निकले हैं तो सामने क्या है, जहाँ जाओ शादी है, हम सिंगल हैं, हम क्या करें। ऊपर से बाइक के लोग साहब देख रहे हो ना, बाकी लड़के का वेट हो रहा है, धूप भी बहुत तेज़ है, ज़्यादा देर में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा होगा तो जो है ना रंग काला हो जाएगा, वैसे एक तो काले हो रहे हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं उसका, उसका काया कोई नहीं है, जल्दी से आ जाए, चलते हैं, काम जल्दी ख़त्म हो, थोड़ा सा सुकून आए, सुकून आएगा, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एडिट भी करना है वीडियो, आज ही रात डालना है मैंने। बाकी वो जो जजमेंटल वाली मैंने बात की थी आप लोगों से, देख लो
कितने बंदे खड़े हैं? आपका भाई नहीं डरा, आपका भाई बना रहा है वीडियो। आपके भाई को सिर्फ गर्ज है कि आपके भाई वीडियो डाले आप लोगों के लिए। अब जल्दी से आ जाए फिर आपको मिलते हैं। तो जी लोकेशन हमने ढूंढ ली है जहाँ पे हमने फोटो बनानी है, वीडियो शूटियो बनानी है। लोकेशन है यहाँ पे नीचे, अगर नीचे तो जा नहीं सकते, नीचे जाएंगे तो मर मर आ जाएंगे। यहाँ पे जो है ना गंदी बहुत ज़्यादा है। क्लिप्स भी निकालने हैं थोड़े से शॉर्ट्स के लिए। बाकी मैं कल व्लॉग बना नहीं सका, कल बारिश इतनी ज़्यादा थी तो मैं निकल नहीं सका कहीं आगे पीछे। बाकी मुझे बाल कटवाने चाहिए कि नहीं चाहिए ये मुझे ज़रा बताना, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े पे भी हैं, लेकिन मैं अभी कटवाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा आप कोई चीज़ कर लो ना तो उसको फिर आखिर तक लेके जाओ। अब मेरा दिल ये है कि मैं मैन बन करूँ पीछे से, जो पोनी होती है ना पोनी करूँ। बाल बड़े कर लिए हैं तो बाल अब आखिर तक तो जाओ ना, कटवाने तो ऐसे भी हैं क्योंकि ईद आ जाएगी, महीने का एक महीना रहता है ईद का। अभी ईद की शॉपिंग भी करनी है, ईद के लिए बेड़ा भी लेना है। तो अब बस अब यह है कि हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अब बहुत देर हो गया, असर का टाइम हो गया, असर की नमाज़ पढ़नी है। और ये भाई साहब बैठे हैं सर। भाई आप व्लॉग कब बनाएंगे, आप कब आएगा व्लॉग? व्लॉग इंशाल्लाह पहला आ जाएगा यूट्यूब पे, दूसरा आएगा। हाँ पहला पहला कोई पता नहीं कब आएगा, इनका एडिट कर रहे हैं लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरा सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब का, वासिफ अली भाई। ये काम होता है जब आप रोड के ऊपर आदि करते हो। वासिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो जाके सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मज़े मज़े के व्लॉग फेंकेंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि भाई साहब ने कहा जी कि हम व्लॉग फेंकेंगे, तो मेरा भी चैनल जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं नया नया जो है ना आउटडोर में, अब जरा एक हर किसी ने सिलेंसर लगाए हुए हैं यहाँ पे, जरा बंदा गुजरता है उसने सिलेंसर लगाया और सिलेंसर पे सारी वीडियो ख़राब करता है। खैर जो मर्ज़ी करो आप, लेकिन दिल से करो, शौक से करो। यह नहीं कि आपने किसी के साथ कंपटीशन करना है, कंपटीशन करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए जो करना है दिल से करो, आपका भाई आपके साथ है, जो हेल्प चाहिए आपका भाई आपको देगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, घर जाके आपको दोबारा मिलना है अभी।